दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग पैटर्न्स की मदद से पांच ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि आने वाले समय में हमें टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह है मिड कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट जो कि अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। रिसेंटली इसने फरवरी 2021 में मंथली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद इसमें मंथ ऑन मंथ बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली है। ये संकेत है कि बुल मार्केट में अब मिड कैप स्टॉक्स ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारा टेक्निकल चार्ट पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग मिड कैप स्टॉक है उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिसने वीकली चार्ट पे बहुत ही लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद 980 रुपीज के आसपास ब्रेकआउट दिया था, जिसके बाद इसमें एक तरफा जबरदस्त रैली देखने को मिली है और अब ये अपने डेली चार्ट पे भी 4500 के आसपास ब्रेकआउट देने को तैयार है। और ये ब्रेकआउट कोई साधारण ब्रेकआउट नहीं बल्कि कप एंड हैंडल ब्रेकआउट होगा, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3850 रुपीज का फॉर दी पॉसिबल टारगेट ऑफ मोर देन 5000 रुपीज। ये है हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट, जिसने मार्च 2020 की गिरावट के बाद 6110 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई पे ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। मजे की बात यह है कि लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स हमेशा एक बहुत ही अच्छा और नया लाइफ टाइम हाई बनाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इस बुल मार्केट में अब हमें स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। ऐसे में टेक्निकल चार्ट पे जो हमारा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक है उसका नाम है बारबेक्यू नेशन, जिसने आईपीओ के बाद एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था और इन दिनों ये अपने डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। ये ब्रेकआउट भी कोई साधारण ब्रेकआउट नहीं बल्कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होने वाला है, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 773 रुपीज फॉर दी पॉसिबल टारगेट ऑफ मोर देन 1100 रुपीज। हमारा अगला स्मॉल कैप स्टॉक है प्लेटफॉर्म बिजनेसेस से मेरा सबसे फेवरेट CDSL, मंथली चार्ट पे जिसका 486 का ब्रेकआउट एक लंबे समय का सपोर्ट बन चुका है। डेली चार्ट पे ये कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है जो कि कभी भी अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दे सकता है और ये ब्रेकआउट भी एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होने वाला है, जिसमें फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मेरा स्टॉप लॉस होगा 945 का फॉर दी पोटेंशियल टारगेट ऑफ मोर देन 1100 रुपीज। हमारा अगला टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक है स्पेशियलिटी रेस्टोरेंट, जो कि वीकली चार्ट पे अपनी ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और 57 पे ये बहुत ही अच्छे वॉल्यूम की मदद से ब्रेकआउट भी दे चुका है, जिसमें मेरा स्टॉप लॉस होगा 50 रुपीज का फॉर दी पोटेंशियल टारगेट ऑफ 72 रुपीज, देन 88 रुपीज एंड देन 108 रुपीज। ऐसे टारगेट्स में दोस्तों आपको अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाना है। हमारा आखिरी और पावरफुल स्मॉल कैप स्टॉक है समकर्ग पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड, जिसने कंटिन्यूअसली अच्छे वॉल्यूम की मदद से इसी वीक 200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों मजे की बात यह है कि ये भी कोई साधारण ब्रेकआउट नहीं बल्कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है, जहां मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 174 रुपीज का फॉर दी पोटेंशियल टारगेट ऑफ 275 रुपीज, 315 रुपीज एंड 380 रुपीज। यहां भी दोस्तों हमें अपने टारगेट्स के साथ साथ स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।